हेलो गाइस और वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज पहली बार दिख रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, थोड़ा अलग लग सकता है। बाकी यहाँ हम आ चुके हैं एक नई जर्नी की शुरुआत पे। तो भाई अब हम चालू करने वाले हैं हमारी कोडिंग जर्नी, समझ रहे हो ना। अब हम कोडिंग भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, मौज भी मारेंगे, ब्लॉग भी बनाएंगे, गेमिंग भी करेंगे, मतलब सब कुछ करेंगे, है ना। तो भाई जब हम कोडिंग करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोडिंग क्या है, देखो कंप्यूटर में जो भी चीज होती है ना वो होती है सिर्फ बाइनरी में, जीरो एंड वन में। और कंप्यूटर को अगर अपन को कुछ कमांड देना है तो अपन क्या करेंगे, कुछ लिखना पड़ेगा ना। जैसे अपन को हेलो वर्ल्ड कंप्यूटर से आउटपुट में चाहिए, ठीक है, तो अपन उसको यूं थोड़ी ना बोलेंगे 01011100, टफ हो जाएगा ना। तो कोडिंग एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हम हमारे डेली लैंग्वेज में लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वैसे कंप्यूटर को अपन कोडिंग में समझा सकते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से। हाँ ये देखो, एक तरीके से कोडिंग वर्सेस प्रोग्रामिंग है। तो कोडिंग क्या है, देखो राइटिंग कोड्स, अप्लाई लॉजिक, लर्न फ्रॉम कोर्सेस, सिंटैक्स एंड डूइंग कॉम्पिलेशन, ये सब हमें आगे वीडियोस में करेंगे। तो हाँ थोड़ा मोटा मोटा नॉलेज आपको मिल चुका होगा कोडिंग क्या है, बाकी इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा कोडिंग क्या है और क्या चीज है, ठीक है। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम करने वाले भाई प्रोग्रामिंग, कोडिंग, एज यू विश, जो कहना चाहो। तो प्रोग्रामिंग में बेसिक क्या होता है, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक आपका लॉजिक बिल्डिंग होता है, ठीक है, सिंटैक्स भी होता है। तो अब हम सबसे इजी लैंग्वेज, क्योंकि हम एक बिगिनर हैं, है ना, तो हम सबसे इजी लैंग्वेज से चालू करना चाहेंगे। तो सबसे इजी लैंग्वेज मानी जाती है पाइथन। तो पाइथन का स्टार्टिंग से इंस्टॉलेशन से लेकर हर चीज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है। देन यू हैव टू डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, नहीं तो आप सीधा क्रोम से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्रोम पे जाना है या VS कोड लिख सकते हैं। VS कोड एक कंपाइलर है जिसमें हम कोड लिखते हैं, ठीक है। अगर आप बिना कंपाइलर के करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, है ना, हर चीज हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये पाइथन IDE, ठीक है, ये एक तरीके का कोड रनर ही है। तो हमको कोड रनर चाहिए जो हमारे कोड को रन करे, ठीक है। तो हम यहाँ पाइथन IDE में जाएंगे, हाँ हो गया, विंडोज को बैक करते हैं, विंडोज बैक हो जाए यार। हाँ तो हम यहाँ जैसे लिखते हैं प्रिंट, ये भी कुछ आना लिखा ना, जैसे हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट हेलो, हो सकता है आपको भी कुछ समझ ना आ रहा हो। तो हमने जैसे ही एंटर करा वैसे ही ये हेलो आ गया। हम चाहते कि हाँ हो, पर हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो हम इसकी मदद से नहीं कर सकते, इसलिए हम कंपाइलर डाउनलोड करते हैं। सिंपली आपको जाना है विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करना है, देन डाउनलोड क्लिक करना है, देन यू विल डाउनलोड इट। देन डाउनलोड होने के बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है, देन ऐसा कुछ इंटरफेस रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, ठीक है, ये जो एक्सटेंशंस वाला आ रहा है 1 2 3 4 5 नंबर पे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पाइथन सर्च करना है, पाइथन के एक्सटेंशन डाउनलोड करने हैं, 2-3 है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर ठीक है, ये पाइथन है, एक ये है जो कि एक्सटेंशन है, इससे ही होता है पाइथन, मतलब पाइथन लैंग्वेज फिर आपके कंप्यूटर में सपोर्ट करेगी। फिर ये है एक पाइथन डीबगर, जिससे ये प्रॉब्लम्स फाइंड करेगा। एक ये तो अभी नहीं है, ये बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ना है, ओके। देन सिंपली ये सब हो जाएगा, देन थोड़ा बेसिक बेसिक फंडा समझते हैं।
इसको अपन टर्मिनल कहते हैं, इधर अपना आउटपुट शो होता है। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे ओपन करता हूँ मैं फाइल, ओपन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। हाँ, ये मैंने मेन डॉट पी वाई खोल लिया, ये अभी कुछ समझ नहीं आएगा, उसको हटा देता हूँ। तो हमने अभी मेन डॉट पी वाई खोल लिए, हम यहाँ जो भी टाइप करेंगे, जो भी कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग में लिखेंगे, उसका आउटपुट ये नीचे शो होगा। ओके, और जैसे आपको फाइल, न्यू फाइल करनी है, कुछ भी करना है, एडिट करना है, सिलेक्शन करना है, ये सब तो आप जानते हैं। विजुअल स्टूडियो में किसी भी कोड को रन करने के लिए हम F5 का इस्तेमाल करते हैं, सिंपली F5 दबाना आपका कोड रन हो जाएगा। तो ये था गाइस आज का वीडियो, बेसिक बेसिक हमने